बात करते हैं सांगढ़ से, जहां पोलियो से बचाव के आलमी दिन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फैज़ मोहम्मद मरी की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ऑफिस से सिविल हॉस्पिटल के मेन गेट तक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सांगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पोलियो एक मौजी मर्ज़ है और हम मुस्तकबिल के बीमारों को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर वालदैन समेत हर मकतबे फ़िक्र के लोगों को अपील की कि वो मुस्तकबिल के बीमारों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। इस मकसद के लिए ज़िला इंतजामिया और महकमा सेहत का साथ दें। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फैज़ मोहम्मद मरी और इंचार्ज लेडी हेल्थ वर्कर डॉक्टर हीना शबीर ने इस मौके पर कहा कि महकमा सेहत ज़िले की आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और पोलियो के खात्मे के सिलसिले में बेहतरीन काम किया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विशुराम एंड स्टाफ डॉक्टर दीदार खास के लिए आलमी अदारा सेहत के नुमाइंदगान डॉक्टर मुर्तजा सियाल इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद वाइस प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज सांगढ़ निगत के अलावा बच्चों खवातीन ईपीआई फारूक इंचार्ज लेडी हेल्थ वर्कर और इस मौके पर डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद।